माता सरस्वती आप, माता लक्ष्मी और माता पार्वती आप, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियाँ हैं। वो तो हम हैं। तो फिर आपसे बड़ी शक्ति कोई कैसे हो सकती है? तुम कहीं अनुसुईया की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ माता हाँ, आजकल जहाँ भी जाओ उन्हीं की चर्चा हो रही है। उसने कौशिक और कौशिकी को जीवन दान दिया है, सुंदर काया दी है, तो क्या वो हमसे बड़ी हो गई? इसीलिए तो माता, इसीलिए तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि धरती पर जन्म लेने वाली एक साधारण सती आप देवियों से बड़ी कैसे हो सकती है? जब मैंने स्वयं भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों को उस सती की प्रशंसा करते सुना, नारायण नारायण सुना है। आजकल आप बहुत गुणगान कर रहे हैं उसका। किसकी बात कर रही हैं आप? जिसके सतीत्व की प्रशंसा करते करते आपके जीवा नहीं थकती, जिसको महासती की उपाधि से सुशोभित करके आप तीनों देव उसकी चरण वंदना करते फिर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि नारद को भगवान विष्णु की किसी लीला का आभास हो गया है, इसलिए उसने आप तीनों देवियों के मनों में सती अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या का भाव जागृत कर दिया है। आप माने या न माने, मैं सती अनुसुईया के सतीत्व की शक्ति जानना चाहती हूँ और इसके लिए आपको उसकी परीक्षा लेनी ही होगी। जैसी देवी की इच्छा। जैसी आपकी इच्छा देवी, हमें परीक्षा लेने जाना ही होगा। जैसी शैलपुत्री की इच्छा। सृष्टिकर्ता, आप भी परीक्षा लेने जा रहे हैं? विवश हूं भगवान, विवश हूं। योगेश्वर, परीक्षक बनने पर हमारी ओर से बधाई हो। मेरे विचार से हम तीनों ही बधाई के पात्र हैं। अपनी अपनी देवियों के हठयोग के सामने नतमस्तक जो होना पड़ा। परमपिता, आपको दुविधा होने वाली है। क्यों भगवान? सती अनसुईया आपकी पुत्र वधु जो है। प्रभु, पुत्र वधु हो या पुत्री, जब तक हम उनकी परीक्षा लेकर ब्रह्माणी को उचित उत्तर नहीं देते, तब तक हमारा ब्रह्मलोक लौटना नहीं होगा। ब्रह्मदेव, परीक्षा लेंगे तो उत्तर तो मिलेगा ही, पर अब सोचना यह है कि परीक्षा का मार क्या हो। देवों को नारद का प्रणाम। देवर्षि नारद, आप यहाँ अपनी वाक्पटुता का परिणाम देखने आए होंगे। आप ऐसी चर्चा करते ही क्यों हैं, जिसके कारण देवी शक्तियां हमें चिंता में डाल देती हैं? नारायण नारायण, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु, हे भोलेनाथ, आप अपने भक्त पर आरोप लगा रहे हैं प्रभु। ये आरोप नहीं है नारद, सत्य कटु होता है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। शांत त्रिनेत्रधारी, नारद की लीलाएं ऐसी ही होती हैं। दूसरों की भावनाओं को तनिक सी च्यूटी काटकर आनंद लेना इनका मनोविनोद बन गया है, किंतु इन्होंने हमारा अहित कभी नहीं चाहा। ये संकट मोचन प्रभु, मैंने तो केवल माताओं को महासती अनुसुईया के चमत्कार की कथा सुनाई थी, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने आपको? हमें उस सत की परीक्षा लेने को कहा है जो हम तीनों की शक्तियों का आधार है। ये सब आपके चमत्कार की चर्चा के कारण ही हो रहा है। संपूर्ण सृष्टि को
अपनी मोहिनी माया से भ्रमित करने वाले जगतपालक, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, कुछ नहीं किया। आप ही कराते हैं और आप ही करते हैं, इस परीक्षा लीला में भी क्या छुपा है आप ही जानते हैं प्रभु। नारायण 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 नारायण। चले प्रभु महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर चलिए। वो देखिए प्रभु, आश्रम की यज्ञ वेदी वहां है, सती वही होगी। प्रभु हम तीनों सती अनसुईया के आश्रम में इस वेशभूषा में नहीं जाएंगे, हम उनके समक्ष साधु का रूप धारण करके जाएंगे। अच्छा सुझाव है। मैं नीति शास्त्र की सभा में जा रहा हूँ देवी। बिना अन्न जल ग्रहण किए ही जाएंगे आर्य। पंचामृत से ही पूर्ण तृप्ति हो गई। जय 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 जय। प्रणाम साधु जन। कल्याणमस्तु। आप सब कहाँ से पधारे हैं? हे देवी, हम हिमालय के उत्तंग शिखर गौरी क्षेत्र से आए हैं। हम विंध्यागिरी से आपके दर्शनार्थ आए हैं माता। हम कश्यप सागर के तट के साधु हैं। देवी आपके आशीर्वाद की इच्छा से आपके आश्रम में आए हैं। आश्रम में आप सबका स्वागत है, पधारिए। अत्री निकट के ग्राम में शास्त्र गोष्ठी के लिए गए हैं, मेरे योग्य कोई आदेश हो तो। माता यात्रा की थकान के कारण विश्राम की इच्छा से हम यहाँ पधारे हैं। आपके विश्राम के लिए पूरी व्यवस्था हो जाएगी, अभी आपको विश्राम मणि भिजवाने का प्रबंध करती हूँ। देवगिरी। आज्ञा माते। इन महात्मा अतिथियों को पर्णकुटी में ले जाओ। जो आ गया। माता हम तीनों जहाँ जाते हैं संध्या यज्ञ की सुविधाओं के साथ ही हमारा आतिथ्य होता है। कोई आपत्ति नहीं, हमारे शिष्य यही आपके लिए सारी व्यवस्था कर देंगे। पहले कुछ मधुपर्क करके यात्रा की थकान तो दूर कर लें। आप तीनों अपनी संध्या उपासना का नित्य कर्म पूर्ण करें, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। रुकिए माता, हमारा भोजन फल तथा गौ दूध और सांपक का ही होता है। मैं जानती हूँ। भोजन का स्पर्श किसी वस्त्र से ना हो माता। अर्थात क्या मुझे भोजन परोसते वक्त निर्वस्त्र होकर ही परोसना होगा माता? हे परमेश्वर, ये कौन सा धर्म संकट है। ऐसे योगी ना तो मैंने कभी देखे हैं और ना ही सुने हैं। आप तीनों कौन हैं? देवी हम तीनों तीन स्थानों के योगी हैं। यदि आप हमारी इच्छा अनुसार भोजन नहीं दे सकती तो हम जाते हैं। नहीं नहीं, आप महर्षि अत्रि के आश्रम से बिना भोजन किए नहीं जा सकते।
मैं स्नान करके आपके नियमानुसार भोजन का प्रबंध करती हूँ। भाग्यवती अनुसुईया सती बनी तीनों की महतारी। अरे ओ ब्रह्मा विष्णु महेश बने एक सती के ललना। अनुसुईया की थाम के उंगली सीख रहे अनसुईया चमत्कारी तेरी ममता पे बलिहारी। जग चालकों को चलना सिखाए दियो रे जग चालकों को चलना सिखाए दियो रे तीनों देवों को बालक बनाए दियो रे परमेश्वर को मानव बनाए दियो रे जोगन ने जादू चलाए दियो रे को दिवला जलाए दियो रे। संपूर्ण ब्रह्मांड को खिलाने वालों, पहले कभी माँ की ममता का ऐसा प्रसाद मिला नहीं ना? सारे विश्व का पालन करने वाले प्रभु, आपने मुझे अपने पालन पोषण करने के योग्य समझकर बहुत उपकार किया है। सचमुच कितना भोला रूप है आपका भोलेनाथ। मैं आपको अपने आश्रम में पाकर धन्य हो गई। परमपिता, पहले तो प्रणाम स्वीकार कीजिए और ससुर जी होते हुए आशीर्वाद दीजिए। और अब पुत्र बनकर हमारा आशीर्वाद लीजिए। ये सब क्या है देवी? ये तीन तीन बालक एक साथ हमारे आश्रम में कैसे आ गए? ये त्रिदेव है स्वामी। त्रिदेव? ये पहले वाले आपके पूज्य पिताश्री ब्रह्मा जी हैं।
ये श्याम वर्ण कमल नयन भगवान विष्णु है। विष्णु? और ये प्रभु शिव है। शिव शंभु? परंतु यहाँ साधु बनकर भिक्षा मांगने आए थे। कुछ ऐसी भिक्षा मांगी इन्होंने कि मुझे अपनी ममता का प्रसाद देने के लिए इन्हें बच्चे बनाना पड़ा। ऐसा क्या मांगा था इन्होंने? भिक्षा के बहाने परीक्षा लेने आए थे मेरी। परीक्षा? कैसी परीक्षा? भ्राता श्री, त्रिदेवों का आपके आश्रम में भाभी माँ की परीक्षा लेने आना क्या स्वयं एक रहस्य नहीं है? मगर परीक्षा की? किस लिए? प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। ऐसी क्या परीक्षा लेने बैठ गए तुम? हाँ, मुझे भी चिंता हो रही है। देवी लक्ष्मी, आप तो भगवान विष्णु की योग माया है। जरा चिंतन करके देखिए कि प्रभु अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए। नारायण नारायण नारायण।